दोस्तों, गले की आफत ना बन जाए दूल्हे की नोटों की माला। जानिए इसे लेकर क्या है रिजर्व बैंक के नियम। शादी के दौरान घोड़ी पर बैठे दूल्हे के गले में नोटों की माला हमने अक्सर देखी होगी। कभी 10 या 20 के नोट तो कभी 100-500 रुपए के नोट भी माला के रूप में गुद दिए जाते हैं। उत्तर भारत में बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में ये रिवाज खूब लोकप्रिय है। नोटों का ऐसा श्रृंगार आपके मन को लुभाता जरूर होगा, लेकिन नोटों की ऐसी बेकदरी कानूनी अपराध है और रिजर्व बैंक के नियमों के खिलाफ भी है। आइए जानते हैं करेंसी नोटों को लेकर रिजर्व बैंक के नियम क्या कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट का माला बनाने पर रोक जरूर लगाता है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A में स्पष्ट कहा है कि करेंसी नोटों का उपयोग सिर्फ लेन देन के लिए किया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक के अनुसार इसको स्टेपलर करना, इसकी माला बनाना या नोटों का पंडाल में लगाना गलत है। रिजर्व बैंक ने इस बारे में एक क्लीन नोट पॉलिसी बना रखी है। RBI समय समय पर आम जनता से इस बारे में अपील भी करता है कि माला बनाने से नोटों का उपयोग ना करें, ऐसा करने से नोटों की उम्र घट जाती है। रिजर्व बैंक नोटों की माला बनाने से रोकता जरूर है, लेकिन ऐसा करने वालों पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। रिजर्व बैंक सिर्फ अपील करता है, ऐसे में नोट की माला पहनने वालों या फिर उसे बनाने वालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।